रिक्का ला कैमरा से यार चुप हो जाना सही है यार मम्मी क्या है कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. This side Aditi Bhanjari again. And guys, आज मैं आपसे सब लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना चीट डे कैसे मनाती हूँ. Guys, इतने दिनों से ना 6-7 दिनों से I am continuously doing my diet. तो आज मेरा बहुत ही मन कर रहा था कुछ चीट डे बनाने का. तो इसलिए guys मैं बना रही हूँ. तो मैं जो भी खाऊंगी ना मैं आपको दिखाऊंगी. तो आज मैं खाने वाली हूँ बिरयानी जो मैंने मंगवाई है बनाना लीव से जो देहरादून के आउटलेट में है GMS रोड पे है. आई विल यू नो टेल यू द लोकेशन ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप लोग चेक कर लीजिएगा. तो गाइस आप देख सकते हो ये मेरा वो है पार्सल बोल रही हूँ. देखो गाइस इसमें क्या है. ये चिकन टिक्का मिला है हमें मतलब मैंने मंगाया था. और गाइस ये है तंदूरी रोटी. और गाइस ये है एक बटर नान. और गाइस ये है बटर चिकन जो मुझे लग नहीं रहा है जो मैं खोल के देखा था अभी. और गाइस कुछ कटलेट भी है इन्होंने. और दिस इज आई थिंक सैलेड पैकिंग के तो भाई एक नंबर पैकिंग के तो ये रहता है. और गाइस ये सालन आई फील वही है. और ये कौन रहता ये सैलेड गाइस आप देख सकते हैं. गाइस सैलेड पैकिंग के तो पूरे नंबर है भाई. और ये गाइस थोड़ा सा ये गाइस ये वाली है. यहाँ पर लिखा है गाइस चिकन हैदराबादी बिरयानी है. ये वाली आई फील क्वांटिटी बहुत ही कम है. मैं आपको रेट बताऊंगी गाइस लास्ट में मैंने कितना मंगाया है. ये वाला गाइस इसमें लिखा ही नहीं है. नहीं लिखा है टिक मारा है चिकन मुगलाई बिरयानी है ये वाली. गाइस आई फील क्वांटिटी बहुत ही कम है. एक हरी चटनी बनाई चुकी है हमने शायद चिकन का दे दी. तो गाइस आप देख सकते हो ये सब है खाने का माल मसाला पानी बस गाइस इतना ही है. अब गाइस इन सबको मैं ओपन करके फिर आपको दिखाती हूं. ओके शुरू करते हैं. सो गाइस आई एम ट्राइंग दिस पनीर सॉरी चिकन टिक्का. बहुत अति गंदा सा लग रहा है ये. मैंने थोड़ा सा खा के भी देखा तो बहुत टाइट है. देख सकते हो टूट भी नहीं. गाइस देखो लेट मी टेस्ट इट. बहुत ही बुरा गाइस ऐसा लग रहा है 10 दिन पुराना चिकन होगा. मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं. उसे ट्राई मत ही करना आप लोग. मजा नहीं आया एकदम भी गाइस. गाइस ये इनका बटर चिकन है. पता नहीं बटर चिकन ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है. ये बटर चिकन है भी कि नहीं है गाइस मेरे को पता नहीं है. लेट मी कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये टेस्ट इट में बताती हूँ फिर गाइस. ये बिरयानी और फिर ये एक और है. ये बटर चिकन टेस्ट करने वाली हूँ जो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी बटर चिकन. लेट मी चेक इट. अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है. फिर मैं आपको बताती हूँ गाइस कैसा है. गाइस ये हालत से तो लग रहा है कोई कोई चिकन विकन पता नहीं कौन सा ही चिकन है. गाइस ऐसा लग रहा है. नान देख रहे हो गाइस कच्चे वाली नान है. गाइस पता नहीं कैसा है. गाइस मैंने और गाइस मैं आपको बताऊंगी रेट. गाइस ये देखो आप देख सकते हो. गाइस ये देखो गाइस ये बटर चिकन के नाम पे धोखा हो गया है मेरे साथ. कोई और ही मिला है. खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. चिकन अच्छा है पर बटर चिकन नहीं है. देखो गाइस अब गाइस मैं आपको बिरयानी का रिव्यू देती हूँ एंड दैट्स ऑल. उसके बाद मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मेरा सारा खाना ठंडा हो चुका है. तो गाइस मैंने बिरयानी ले ली है प्लेट में ही देख लो थोड़ी सी ली है. गाइस इसको पहले सिंपल ऐसी टेस्ट करती हूँ उसके बाद में सालन फालन के साथ टेस्ट करूँगी. देखते हैं कैसी है ये. अब थोड़ा रायते के साथ टेस्ट कर लेती हूँ मैं कैसा है ये. ये देखो गाइस मैंने रायते के साथ टेस्ट इसको करती हूँ.
Let's see how's it. रायता साथ थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक ठीक मुझे आ रही है मेरे को। गाइस मैं ज़रा खाना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को कैसा लगा, क्या लगा, ठीक है। गाइस मैं नान के साथ थोड़ा ये खा लूँ, देख लो। आई विल टेल यू गाइस मेरे को कैसा लगा सब कुछ। एक लास्ट बिरयानी रह गई है ये वाली गाइस, तो मैं अब ये नेक्स्ट बिरयानी ट्राई करने वाली हूँ, ये वाली देख लो आप। इसमें अलग अलग पीस हैं, आई थिंक ये पता नहीं शायद अफगानी, पता नहीं कौन सी की है। मतलब टेस्ट करते हैं सुबह इस कैसी है। अच्छी है, उससे तो अच्छी हो रही है। चिकन बहुत टाइट है, आप देख सकते हो टूट ही नहीं रहा है, ये देखो गाइस। चिकन बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है गाइस, पता नहीं कौन से जमाने का है। ठीक है गाइस, लेट मी मैं खाना फिनिश करती हूँ, उसके बाद में आपको अपना रिव्यू देती हूँ कि मुझे क्या कैसा सब कुछ लगा, ठीक है। बहुत ही बुरा था ये। अरे कहना क्या चाहते हो? सच में आप देख सकते हो चिकन इतना हार्ड है इसका, ये देखो गाइस। तो गाइस मैंने बिरयानी खा ली है, और वो बटर चिकन जो वो कॉम्बो था, मैंने वो सब कॉम्बो में मंगाया था गाइस। बटर चिकन था 1/4, और गाइस क्या था, और दो वो थे उसके साथ, दो ड्रमस्टिक थी, ड्रमस्टिक मतलब चिकन लॉलीपॉप थी, पर वो मैंने मेरी बहन ने पहले ही खा लिए थे, वो थोड़े ठीक थे। और जो दूसरी चीज़ थी, हमें दो बिरयानी मिली थी उसमें, जो आपने देखी, मैंने आपको दो बिरयानी दिखाई, एक बोनलेस थी और एक हैदराबादी बिरयानी थी। उन्होंने मुगले बिरयानी, कोई बिरयानी इंक्लूड नहीं थी मैंने देखा। और गाइस जो तीसरी चीज़ जो मैंने अपने उससे मंगाई थी, वो थी चिकन टिक्का, एंड इट कॉस्ट फॉर ₹170 का था वो, और उसमें चार पीसेस थे, एंड इट वो सो बैड, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था गाइस। बहुत ही कच्चा, मतलब कच्चा तो नहीं, मतलब बहुत टाइट था, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था वो, और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। बिरयानी भी आई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिरयानी में बिरयानी जैसी लगी ही नहीं। मैं अगर सोचो, अगर आप मैं हम लोग देहरादून में रह के, अगर कोई हमारा, क्योंकि वो लोग साउथ के, ठीक है, उनका आउटलेट पहले सुद्धो वाला था, अब उनका आउटलेट देहरादून है, तो देहरादून में उन्होंने शिफ्ट किया, तो उनके रेट भी बढ़ गए हैं गाइस अब, और उनके मतलब जो उनका खाना था उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट, मतलब पहले अच्छा था, अब उन्होंने अपना खाना भी ऐसा कर दिया है। तो गाइस मेरा मतलब वर्स्ट डे गया है ये, मेरे जो मेरा उसका था चीट डे का। और इसके बाद गाइस मैं अब शाम को कुछ नहीं खाने वाली हूँ, इसके बाद बस मैं एक ग्रीन टी पीऊँगी, क्योंकि अब दिन का ही खाना था जो भी मैंने खाना था। तो जो मैं टोटल बताऊँगी, मेरा जो पूरा ये सब खाना था, ये था ₹1000 का, ये सब कुछ जो भी मैंने मंगवाया था, एंड इट वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था ये, मज़ा नहीं आया एकदम भी, मतलब। और कल से गाइस मैं अपना डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ दोबारा से, कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को ही बताऊँगी, और मैंने कितना किलो लूज़ किया है, क्या है, कैसे है, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी। यू जस्ट हैव कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देखने होंगे, मेरा वेट लॉस जर्नी देखनी होगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा एक हफ्ता कंप्लीट हो गया है, और मैंने अभी तक जितना भी लूज़ किया है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। खाना मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप वहाँ से मत खाइएगा, क्योंकि मेरे को तो एकदम भी अच्छा लगा, और होपफुली आपको भी वो अच्छा लगेगा। बिरयानी आप हमारे यहाँ पर, बिरयानी ना मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को देहरादून में बनानी आती ही नहीं है, जहाँ पर भी मैंने खाई है। इससे अच्छा आप बिरयानी वाई किलो से खा लो, यहाँ पर एक है आउटलेट, वो कम से कम थोड़ा देते हैं देखिए, बट एटलीस्ट आपका पैसा वर्थ इट होता है। इन्होंने इतना लिया बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट टू माई यूट्यूब चैनल अदिति भंजारी। तो गाइज प्लीज़ आप लोग स्टे ट्यून्ड, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, कि देहरादून में बिल्कुल भी उस बनाना लीफ से नहीं खाना। सच में गाइज इट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। सो गाइज बाय, आपको